द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों, जिस जिस राज्य में बीजेपी की सरकार नहीं है वहां शायद बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने नेताओं ने ये ठान ली है कि वहां का माहौल खराब करने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। अब बिहार का ही मामला ले लीजिए। कल बिहार में बीजेपी ने एक बड़ा सारा प्रदर्शन बुलाया और बिहार में उस प्रदर्शन के दौरान बीजेपी के एक नेता की मौत हो गई और बीजेपी ने पूरे तंत्र को अपना एक्टिवेट करके ये फैलाना शुरू किया कि बीजेपी के उस नेता की जो मौत हुई है वो लाठी चार्ज और लाठी सरपा पड़ी है पुलिस की, उससे हुई है। मतलब सरकार जो है वो हथियारी सरकार है। अब मामले में सीधे सीधे कई सारे ट्विस्ट आए वक्त के साथ साथ, और जो सामने आया है उसको सुनकर आप भी हैरान हो जाएंगे कि कैसे एक जो प्रदर्शनकारी बीजेपी का था उसी ने, उस व्यक्ति ने ही पोल खोल के रख दी। जब उससे पूछा गया कैमरे के ऊपर कि कैसे मौत हुई है, तो उसने जो वजह बताई उसको जान के तो आप हैरान हो जाएंगे। वो बीजेपी के नरेटिव से बिल्कुल अलग थी कि कैसे अपने आप ही पहले भगदड़ मच गई थी लाठीचार्ज से पहले ही, और उस दौरान उस बीजेपी के नेता की मौत हो गई। मतलब लाठीचार्ज जब तक शुरू भी नहीं हुआ था। ये जनता दल यूनाइटेड ने डाला है कि जहां विरोध प्रदर्शन का आयोजन था उससे पहले ही बची भगदड़ की वजह से हमारे एक साथी वहीं गिर गए, जिसके बाद उन्हें अस्पताल ले जाया गया जहां उनकी मौत हो गई। प्रत्यक्षदर्शी, आप ये वीडियो देख लीजिए जो कह रहे हैं, आप सुन लीजिए। मारोम हम लोग जा रहे थे और जाने के पहले ही भगदड़ मचा, और भगदड़ उसी गिरने के क्रम में उनका हो सकता है जबरदस्त कहीं फूट रहा हो। उसके बाद हम लोग थे तारा हॉस्पिटल में ले गए हैं, तो हम मशीन पर चढ़ा है लेकिन कोई उसका मशीन कोई जवाब नहीं दे रहा। दोस्तों, देखा आपने किस तरह से ये जो झूठ है बीजेपी के द्वारा फैलाया जा रहा है, जो कि सरकार के आदेश के ऊपर या तेजस्वी यादव को बचाने के लिए नीतीश कुमार के आदेश के ऊपर, न नीतीश कुमार साहब का आदेश, न तेजस्वी यादव जी का आदेश, बल्कि लाठीचार्ज से पहले जो भगदड़ मची थी, प्रत्यक्षदर्शी जो आई विटनेस है उसका कहना है कि ये उस दौरान ही इनकी जान चले गई थी, उनको हॉस्पिटल लेकर आए और वहां ये जीवित नहीं थे। अब कैसे बीजेपी के नेताओं ने इस पूरे के पूरे मामले को जो कथित तौर पर झूठी लग रहा है जो फैलाया वो देखिए। संबित पात्रा ने ट्वीट किया उस बीजेपी नेता के मृतक की तस्वीर के साथ कि सीएम नीतीश कुमार ने अपने भ्रष्टाचारी भतीजे तेजस्वी यादव को बचाने के लिए बिहार में लोकतंत्र की जगह ठोक तंत्र का राज स्थापित कर दिया। जनरल डायर की भांति नीतीश कुमार ने बिहार पुलिस को आदेशित कर शांतिपूर्ण विधानसभा मार्च में शामिल भाजपा नेताओं कार्यकर्ताओं पर हमला कराया। इसमें ये हमारे नेता की महामंत्री जिला के विजय कुमार सिंह की मौत हो गई और कई विधायक सांसदों को गंभीर चोटें आई। बहुत लंबा चौड़ा उन्होंने लिखा है। अब ये राजनीति करने के लिए जो गिद जैसी राजनीति होती है, जिसको गिद राजनीति कहते हैं, इन्होंने सारी की सारी सीमाएं लांघ दी। न्यूज 18 ने लिखा, पुलिस लाठीचार्ज ने भाजपा कार्यकर्ता की मौत पर बवाल, बीजेपी बोली हत्यारी है बिहार सरकार, धरने पर बैठे नेता। न्यूज 18 ने यह खबर की और इसको पोस्ट किया जो बीजेपी का नैरेटिव था, लेकिन उसके बाद खुद न्यूज 18 ने जो दूसरी खबर करी है वो आपको दिखाऊंगा, तो आप खुद कहेंगे कि मामला जैसे जैसे बड़ा है उसमें सच्चाई खुलती चली गई है और बीजेपी का एक ऐसा झूठ बेनकाब हुआ है। बहुत ही निंदनीय है किसी की जान चले जाना प्रदर्शन में, पुलिस का लाठी चार्ज करना। मैं तो कहता हूं कि ये मुझे समझ में ही नहीं आता, लोकतंत्र में आप कैसे किसी को रोक सकते हो। लेकिन लॉ ऑर्डर भी एक बड़ा सवाल होता है, और जहां पर जो अनुमति दी गई थी उससे इन्होंने सीमा लांघने का काम किया था, लेकिन साथ में पुलिस वालों के ऊपर किस चीज़ से हमला किया था जिसके बाद लाठी चार्ज हुआ वो भी सुनिएगा, आप सुन के दंग रह जाएंगे। जागरण ने लिखा कि पटना में लाठी चार्ज में भाजपा नेता की मौत, पुलिस ने सर पर मारी लाठी, कई सांसद विधायक घायल, इन्होंने भी ये चीज़ ली। लेकिन फिर न्यूज 18 ने एक वीडियो चलाया बीजेपी कार्यकर्ता की मौत पर डीएम चंद्रशेखर सिंह का बयान, शरीर पर नहीं थे चोट के निशान, विजय कुमार नहीं पहुंचे थे कार्यक्रम स्थल, भगदड़ की खबर सुनकर बेहोश हुए थे। इस पूरे बुलेटिन में न्यूज 18 ने एक सीसीटीवी फुटेज का इस्तेमाल किया है। इस सीसीटीवी फुटेज में बीजेपी के वो नेता जिनकी मौत हो गई है, वो बहुत दुखद बात है, निंदनीय भी है, वो उस प्रदर्शन स्थल तक पहुंचे ही नहीं थे बल्कि पहले ही भगदड़ के अंदर उनकी जान चली गई थी। डीएम साफ कर चुके हैं कि कोई भी चोट का निशान नहीं है, लेकिन गिद्ध राजनीति में बीजेपी पीछे नहीं है। क्या कर रहे हैं उस नेता के शव के साथ, मैं वो आपको दिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले बीजेपी कार्यालय लेके गए हैं, मैं आपको बताऊंगा पूरा मामला क्या है, कैसी गिद्ध राजनीति चल रही है। लेकिन उससे पहले ये सुनिए जो बिहार राजद ने डाला है कि कैसे जो प्रदर्शनकारी थे वो अपने साथ भाजपा के नेता कार्यकर्ता लाल मिर्च के पाउडर, मिर्चें सब लेकर आए थे, जो पुलिस वालों की आंखों में डालने का कृत्य कर रहे थे। पुलिस वालों की इसमें तस्वीरें वीडियोज हैं, आप देख लीजिए।
इन्होंने लिखा है कि प्रदर्शन के नाम पर लाल मिर्च पाउडर से पुलिस पर भाजपाई गुंडों का घातक हमला क्या बर्दाश्त किया जा सकता है? लोकतंत्र प्रदर्शन का मतलब क्या ईंट रोड़े या लाल मिर्च पाउडर से हमला होता है? अगली बार के लिए भाजपा की क्या योजना है, चाकू या गोली या बंदूक? देखिए इस वीडियो के अंदर आपको कुछ लोग दिखेंगे जो सीधे तौर के ऊपर पुलिसकर्मी, जिनके ऊपर लाल मिर्च के पाउडर होंगे हैं, जिनको पत्थर मारे गए हैं, ये बीजेपी के सांसद विधायक जिस प्रदर्शन में शामिल थे वहां पर हुआ है। देखिए बोरी में मिर्ची थी, यानी जो लाल मिर्च होती है जो खाने में इस्तेमाल की जाती है, वो मिर्ची का इस्तेमाल किया गया था और जो प्रदर्शनकारी थे वो बोरी में भर करके लाल मिर्ची लेकर के आए थे। दोस्तों देखा आपने इसके अंदर एक लंबी रिपोर्ट इन्होंने फाइल करी है जो पत्रकार साथी हैं, और इनका हेडलाइंस बिहार करके चैनल है, बहुत अच्छी रिपोर्टिंग करी है, इनको आप जाके देख सकते हैं और पता कर सकते हैं कि क्या है। बीजेपी के नेताओं ने जब कोई कसर नहीं छोड़ी थी इस पूरे के पूरे मामले को राजनीतिक रूप देने का, और दे भी रहे हैं। यहाँ तक गिरिराज सिंह जी भर्ती हैं अस्पताल में, अस्पताल के बिस्तर से बयान जारी करते हैं बीमारी की हालत में, भाजपा कार्यकर्ता विजय सिंह की निर्मम निर्लज हत्या का हिसाब बिहार की जनता लेगी, बिहार को लोकतंत्र की जननी कहा जाता है और आज इसी धरती पर नीतीश कुमार ने लोकतंत्र की हत्या कर दी। इस तरह से पूरा तमाशा किया गया। पोल जो खुली है वो आपके सामने है, मेरा निवेदन है कि आगे तक पहुंचाइएगा ताकि जनता के सामने दोनों चीज़ें आ सकें कि क्या कहा जा रहा है और हकीकत में क्या है, क्या मामला है। और राजनीति करने के लिए बीजेपी कोई कसर नहीं छोड़ रही है, जबकि डीएम का कहना है कि बीजेपी नेता के कोई चोट का निशानी नहीं है, और बार बार बीजेपी के नेता कह रहे हैं कि पुलिस ने लाठी चार्ज करके लाठी मार के हत्या की है। अगर ऐसा होता तो दो चीज़ें थी, एक न्यूज़ 18 का सीसीटीवी का वो बुलेटिन चलाना जिसमें न्यूज़ 18 ने ये कहा है कि भाई वो डीएम का कहना है कि वो घटनास्थल तक पहुँचे ही नहीं थे, लाठीचार्ज की जगह वो पहुंचे ही नहीं थे उससे पहले ही। दूसरी चीज़ बीजेपी के खुद कार्यकर्ता का ये कहना जो प्रदर्शन में शामिल था, जो मैंने इसमें शुरू में वीडियो लगाया था कि हमारे एक साथी का लाठीचार्ज से पहले भगदड़ के अंदर मामला बिगड़ा और वो उसके उस दौरान उनकी मौत हो गई, हम अस्पताल लेकर आए लेकिन वहाँ पर वो जीवित नहीं थे। कि सारी चीज़ें पोल खोलती हैं, लेकिन फिर भी बीजेपी को तो राजनीति करनी है, चाहे अपने मरे हुए नेता के शव के ऊपर ही करनी हो। देखिए आप हिंदुस्तान ने लिखा है कि बिहार बीजेपी लीडर डेथ, लाठीचार्ज के खिलाफ बीजेपी का शुक्रवार को काला दिवस, मृत नेता का शव पार्टी ऑफिस लाया गया। जिस मृत नेता की हत्या के बारे में कहा जा रहा है बीजेपी की तरफ से, उसकी मौत को लेकर लोग कह रहे हैं कि भाई खुद प्रदर्शनकारी कह रहे हैं कि हमारे एक साथी लाठीचार्ज से पहले तबीयत बिगड़ने की वजह से उनकी मौत हो गई और भगदड़ की वजह से हम उनको लेकर आए अस्पताल। दूसरी चीज़ कही जा रही है सीसीटीवी फुटेज का हवाला देके डीएम की तरफ से कि वो घटनास्थल तक पहुँचे ही नहीं थे, उससे पहले उनकी मौत हो गई। तीसरी चीज़ डीएम का ये बयान कि उनके ऊपर कोई पोस्टमार्टम में निशानी नहीं है चोट का या लाठी का, उसके बावजूद भी बीजेपी उस नेता के शव के ऊपर राजनीति करने, उसका शव उसके घर भेजने के बजाय अपने पार्टी कार्यालय में रख के अगले दिन शुक्रवार को काला दिवस मनाने के लिए तैयारी कर रही है। आप सोचिए आप क्या कहेंगे ऐसे लोगों को, क्या कह सकते हैं? गिद्ध राजनीति नहीं है तो क्या है? इस वीडियो को आगे बढ़ाइएगा, लोगों को जागरूक जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत। द लाइफ टीवी, सच सबसे आगे।